अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पे आया हूँ आज प्लानिटेरियम के इधर, और मुझे बहुत दुख हुआ है ये सब कुछ देख के कि इतना पैसा इन्होंने 150 रुपये टिकट रखा हुआ है पर पर्सन यहाँ पे, और बच्चों का जो है 90 रुपये का एक टिकट रखा हुआ है। लेकिन आप ये देखें, इस प्लेन की हालत देखें कि इस तक पे कोई रंग कुछ नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इनके वॉशरूम इतने गंदे ख़राब हो रहे हैं कि आप दूर से स्मेल महसूस कर सकते हैं इनके वॉशरूमों की। और जहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया हुआ है प्लानिटेरियम के अंदर, वहाँ पे इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, वहाँ पे स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, बिल्कुल बहुत बुरी हालत की हुई है इन लोगों ने। और ये सिंध के जो हुक्मरान हैं माशाल्लाह, उनको उनके जो नालायक हुक्मरान हैं उनके हाथों में ये सब मामलात हैं। और आप देख सकते हैं क्या ऐसा लग रहा है कि किसी मुंजो दाड़ो में जैसे कोई खोज हुई थी और पुराने ज़माने की कोई कदीम चीज़ें निकली थी, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारी चीज़ों का ये हाल कर रहे हैं लोग। नो मेंटेनेंस, नो कुछ, कोई देखभाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लावारिस कराची की तरह लावारिस चीज़ों को भी रख रखा है, इनके नाम पे करोड़ों रुपए की ये मेंटेनेंस वसूल करते हैं और इनके ऊपर कुछ नहीं लगाया हुआ। ये देखें आप प्लेन का हशर, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने प्लेन का। ये देखें ये सिंध के हुक्मरान माशाल्लाह से, और अभी देख लें यहाँ पर पूरा टप्पर भर के आया हुआ है जो अंदरून सिंध से किसी वडेरी की पर्ची पर ले के आए उनको, और वो लेटर उन्होंने लिख के भेजा है यहाँ पे, मतलब आए हैं देखने, विज़िट करने। और वॉशरूमों का बे इंतहा बुरा हाल है यहाँ पे, मतलब ये फैमिली के लायक जगह नहीं है। और बहुत बुरा, हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो प्लीज़ इस इशू को कोई हाईलाइट करे इसको। मैं यही कहूँगा कि बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, जिस तरह कराची वालों के साथ सलूक किए आ रहे हैं, और ये जो सिंध के सो कॉल्ड हुक्मरान जो बाहर रहते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सारा पैसा बाहर रखते हैं, तो इसी तरीके से इन लोगों ने मुल्क का हशर किया हुआ। इनको कोई गर्ज नहीं हमारे मुल्क से। बहरहाल कुछ अच्छे भी लोग हैं, सारे बुरे नहीं हैं। बहरहाल मैं बिलावल भुट्टो साहब से इनसे बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस सिलसिले में देखें, इन चीज़ों को देखें, और ये हमारे टूरिज़्म जो है इसको बढ़ाएं, इन चीज़ों की मेंटेनेंस की तरफ तवज्जो दिलवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।